how are you? I hope you are healthy and doing super time my channel. Myself, I'm Shiv Kumar. I am your argument talk. So today I will discuss very important interesting chapter of the 11th NCERT, that is the biomolecule. So in this particular video, we detail discuss about biomolecule. So I hope you are enjoying this video. So if you like my video, so please subscribe my channel and like share my video with friend. And if you want to join my social media handle, so I provide a link in description box and the WhatsApp channel my channel. So please go through WhatsApp channel my channel and click the social media icon and join with us. So I hope you really appreciate me. So watch the video and keep support. This topic is primary and secondary metabolites. So in this particular video, we detail discuss about primary and secondary metabolites, because primary and secondary metabolites is the part of the biomolecule. So I hope you will enjoy this video. So first, we did what written in NCERT textbook. After that, I elaborated each and everything with simple and easy words. So let's begin without wasting any time. तो क्या हुआ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, आज हम प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो एनसीईआरटी के टेस्ट में क्या लिखा गया है उसको हम देखते हैं। द मोस्ट एक्साइटिंग एस्पेक्ट ऑफ केमिस्ट्री डील विथ आइसोलेटिंग थाउजेंड ऑफ कंपाउंड स्मॉल एंड बिग फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, डिटरमाइन देयर स्ट्रक्चर एंड इफ पॉसिबल सिंथेसिस देम। तो इसका मतलब क्या हुआ, एनसीईआरटी हमसे ये बोल रही है कि क्या बोल रही है, द मोस्ट एक्साइटिंग है ना, बहुत मतलब एक्साइटिंग एस्पेक्ट मतलब होता है पहलू। एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, पहलू है ना। बहुत एक्साइटिंग पहलू एक होता है केमिस्ट्री में कि हम क्या करें, डील विथ आइसोलेटिंग थाउजेंड ऑफ कंपाउंड है ना। हम केमिस्ट्री में बहुत थाउजेंड ऑफ कंपाउंड के बारे में डील करें, उनके बारे में बात करें है ना, और उनको आइसोलेट करें। वो कंपाउंड कैसे हो सकते हैं, वो कंपाउंड बिग हो सकते हैं या स्मॉल हो सकते हैं, यानी वो कंपाउंड बड़े हो सकते हैं और छोटे भी हो सकते हैं फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो कंपाउंड बड़े हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं। इसके लिए इसको हम डील करें, उनके आइसोलेटिंग थाउजेंड ऑफ कंपाउंड में क्या देखेंगे, उसके हम उसके स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे और उनकी कैसी सिंथेसिस हो रही है, वो कैसे बनाए जा रहे हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सिंपल वर्ड में ये मतलब हुआ कि हमको एक खुशी मिलती है जब हम केमिस्ट्री में थाउजेंड टॉप आइसोलेटिंग कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं। वो कंपाउंड जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं, वो छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, उनको हम उनका हम स्ट्रक्चर डिटरमाइन करते हैं, उनकी सिंथेसिस कैसे है, उसकी सिंथेसिस कैसे होती है उसको हम देखते हैं। ठीक है, आगे क्या है, इन वन वर वी मेक ए लिस्ट ऑफ बायोमोलिक्यूल, अगर हम एक लिस्ट बनाएं किसकी, बायोमोलिक्यूल की हम एक लिस्ट बनाएं। बायोमोलिक्यूल क्या होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा बनाए जाते हैं, उनको हम बायोमोलिक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल प्रोड्यूस बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, हम बायोमोलिक्यूल बोलेंगे है ना। ऐसे मॉलिक्यूल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाए उसको बायोमोलिक्यूल बोलेंगे। सच ए लिस्ट वुड हैव थाउजेंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना। तो उस लिस्ट में क्या होगा कि हमारे थाउजेंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी आएंगे है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन से आ जाएंगे, थाउजेंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या क्या आएंगे, अमीनो एसिड आएंगे हमारे और शुगर आएंगे। अमीनो एसिड और शुगर आएंगे, ये कैसे कंपाउंड हैं, ये कैसे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। और क्या आएंगे, अमीनो एसिड शुगर और भी आएंगे। और उसके बाद क्या है, फॉर रीजन डेट गिवन सेक्शन 9.10 वी कॉल दीज मॉलिक्यूल्स एज मेटाबोलाइट्स है ना। तो इनको हम क्या बोलते हैं, मेटाबोलाइट्स बोलते हैं है ना। ऐसे मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं, हम मेटाबोलाइट्स बोलते हैं, जो कि प्राइमरी मेटाबोलाइट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की हमको लिस्ट दी गई है, वो हम आगे चल के आपको बताएंगे क्या क्या होते हैं। ठीक है, इन एनिमल टिश्यू वन नोटिस द प्रेजेंस ऑफ ऑल सच कैटेगरी ऑफ कंपाउंड साइन इन 9.1 फिगर जो हमको दिया गया है एनसीईआरटी में। 9.1 टेबल दी गई है, उसमें हमको दिखाया गया है कि एनिमल टिश्यू में ये कौन कौन से कैटेगरी के कंपाउंड पाए जाते हैं उसके बारे में हमको बताया गया है। हम टेबल बाद में देखेंगे, पहले हमको एनसीईआरटी के टेस्ट में जो लिखा गया है उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। ठीक है, दीज आर कॉल्ड प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है ना। इसे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वो मेटाबोलाइट्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की मेटाबॉलिक फंक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करें और उनका जो फंक्शन हो वो हमको नोन हो, उनका फंक्शन जो हो पता हो कि ये कंपाउंड है, ये मेटाबोलाइट्स है, इसकी लिविंग ऑर्गेनिज्म की मेटाबॉलिज्म में हेल्प कर रहा है, इसका फंक्शन ये है ना, फंक्शन नोन होता है और डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं मेटाबॉलिक में है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट बोलते हैं। और सेकेंडरी मेटाबॉलिक वो होते हैं जो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते और इनके हमको फंक्शन
पता नहीं होते हैं, है ना, उनके फंक्शन को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनको सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। सारी चीज़ें बताएंगे आपको इन डिटेल्स में, आगे देखते हैं। हाउएवर व्हेन वन एनालिसिस प्लांट, है ना, जब अगर हम एनालिसिस करें किसकी, प्लांट की, है ना, फंगल की और माइक्रोबियल सेल की, जब हम एनालिसिस करें तो हम क्या देखेंगे, वन वुड सी थाउजेंड ऑफ कंपाउंड अदर देन दीज कॉल प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, है ना। अगर हम एनालिसिस करें प्लांट सेल की, फंगल सेल की, माइक्रोबियल सेल की, तो हम क्या देखेंगे, थाउजेंड ऑफ कंपाउंड मिलेंगे जो कि अदर देन होंगे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, यानी प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के अलावा हमको मिलेंगे थाउजेंड ऑफ कंपाउंड, तो हम उनको क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बोलेंगे। अब ये क्या हो सकते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या क्या हो सकते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हो सकते हैं एल्कलॉइड हो सकते हैं, फ्लेवोनॉइड हो सकते हैं, रबर हो सकते हैं, इसेंशियल ऑयल हो सकते हैं, इसेंशियल ऑयल में हमारे ग्रास ऑयल और लेमन ऑयल आएंगे, है ना, और एंटीबायोटिक्स हो सकती हैं, बहुत सारी एंटीबायोटिक्स होती हैं हम सभी जानते हैं, ठीक है, एंटीबायोटिक्स होती हैं, एंटीबायोटिक्स हमारी इन्फेक्शन से लड़ने में हेल्प करती हैं, है ना, हमारे डिजीज को क्योर करती हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाती हैं, ठीक है। आगे क्या है, कलर्ड पिगमेंट भी मिलते हैं हमको, कलर्ड पिगमेंट मिलेंगे, सेंट्स मिलेंगी, क्या मिलेंगे, कलर पिगमेंट मिलेंगे, सेंट मिलेंगे, गम्स मिलेंगे और स्पाइस मिलेंगे, यानी मसाले मिलेंगे, है ना। ये इनको क्या बोलते हैं हम, इनको बोलते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, इनको बोलते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बोलते हैं, जो कि 9.3 टेबल पे दिखाए गए हैं। वाइल प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है, जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, मैंने आपको बताया था प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वो मेटाबोलाइट्स होते हैं जो ह्यूमन की यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में अपना फंक्शन, उनका एक आइडेंटिफिकेशन फंक्शन होता है, मतलब वो उनका फंक्शन होता है, एक पर्टिकुलर फंक्शन करेंगे, और जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं मेटाबोलाइज में, उनका फंक्शन नोन नहीं होता है, ठीक है। वाइल प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैव आइडेंटिफिएबल फंक्शन, है ना, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो होते हैं उनका फंक्शन होता है आइडेंटिफिएबल होता है, क्या होता है, आइडेंटिफिएबल होता है, आइडेंटिफिएबल फंक्शन होता है, प्ले नोन रोल इन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, और वो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में हेल्प करेंगे। फिजियोलॉजिकल प्रोसेस का मतलब बॉडी के अंदर जितने भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी हो रही हैं, है ना, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स जितने वर्क कर रहे हैं उनके प्रोसेस में हेल्प करेंगे, उसी को क्या बोला, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बोला, ठीक है। वी डू नॉट एट ए मोमेंट, है ना, हम इस समय ये नहीं समझ सकते हैं क्या, द रोल ऑफ फंक्शन ऑफ ऑल सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, हम सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट का जो फंक्शन होता है, हम जैसे प्राइमरी मेटाबोलाइट के सारे फंक्शन को जान सकते हैं, ऐसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट के फंक्शन को नहीं जान सकते हैं, अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब यही है, है ना, इसका मतलब क्या है, यही है, वी डू नॉट एट द मोमेंट अंडरस्टैंड टू रोल ऑफ द फंक्शन ऑफ ऑल सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, यानी हम सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के फंक्शन को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं, उनके रोल को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं, है ना, इन होस्ट ऑर्गेनिज्म, है ना, इन हॉस्ट ऑर्गेनिज्म में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के हम फंक्शन को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। आगे क्या है, हाउएवर मेनी ऑफ देम आर यूजफुल टू ह्यूमन वेलफेयर, इसमें जो होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में कुछ होते हैं जो कि हमारे ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूजफुल होते हैं, यानी ह्यूमन वेलफेयर जो होगा उसके लिए क्या होंगे, यूजफुल होंगे, यूजफुल टू ह्यूमन वेलफेयर। अब जैसे रबर आ गई, है ना, ह्यूमन वेलफेयर के लिए क्या यूज हुआ, रबर का यूज हुआ, ड्रग्स का यूज हुआ, स्पाइस का यूज हुआ, यानी स्पाइसेस यानी मसाले, है ना, ऑसेंट्स का यूज हुआ, और क्या हुआ, यूज का पिगमेंट का, है ना, पिगमेंट भी होते हैं इनका यूज होता है, रबर का यूज होता है, ड्रग का यूज होता है, स्पाइस का यूज होता है, सेंट का यूज होता है, ये क्या हमारे, ये ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूजफुल हैं, ठीक है। सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैव इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट, है ना, कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं जिनमें इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट होती है। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट का मतलब क्या हुआ भाई, इकोलॉजिकल का इंपॉर्टेंट का मतलब हुआ हमारे पर्यावरण के लिए, इसके लिए पर्यावरण के लिए जो इंपॉर्टेंट हो, इकोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट हो, इसके लिए पर्यावरण के लिए, पर्यावरण के लिए जो इंपॉर्टेंट हो उसको क्या बोलेंगे, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट बोलेंगे, है ना। ये कौन होते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, ये इकोलॉजिकल के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इन द लेटर चैप्टर एंड ईयर यू लर्न अबाउट दिस, हम इसके बारे में आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या हुए, जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें, है ना, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें और उनका जो फंक्शन हो वो आइडेंटिफेबल हो, यानी उसके फंक्शन को हम जान सकें, है ना, ये हमारे हो गए प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या हुए, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो, है ना, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल में और उनके फंक्शन को हम आइडेंटिफाई ना कर सकें। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं जो कि ह्यूमन वेलफेयर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, रबर हो गया, ड्रग हो गया, स्पाइस हो गया, सेंट हो गया, पिगमेंट हो गए, ये हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो होते हैं इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट में भी अपना रोल अदा करते हैं,
ठीक है, क्या करते हैं अपना रोल प्ले करते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हमको टेबल दिखाई गई है ना, इसमें क्या दिखाया गया सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में टेबल दिखाई गई, तो हम देख लेते हैं टेबल में क्या क्या दिया गया है। ठीक है, तो टेबल में हमको दिखाया गया सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, मतलब कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ना। पिगमेंट, पिगमेंट में क्या आते हैं, पिगमेंट आते हैं कैरोटिनॉइड एंड एंथ्रासाइनिन, है ना। कैरोटिनॉइड और एंथ्रासाइनिन जो होते हैं ये क्या है, पिगमेंट हैं, इसका एग्जाम्पल है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में पिगमेंट के एग्जाम्पल हैं। अब कैरोटेनॉइड जी हमने देखा था कहाँ पे पाया जा रहा था, हमारे प्लास्टिड में पाया जा रहा था, कैरोटेनॉइड जेंथोफिल वगैरह ये सारे के सारे हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखे हैं, है ना, प्रीवियस वीडियो में देखे थे सेल वाले टॉपिक में। ये क्या होते हैं, पिगमेंट होते हैं। और ये एंथ्रासाइनिन जो होता है ये किसका, फ्रूट का कलर, एंथ्रासाइनिन होता है फ्रूट, एंथ्रासाइनिन क्या होता है, एंथ्रासाइनिन क्या होता है, ये फ्रूट का कलर, फ्रूट, फ्रूट और फ्लावर, फ्रूट और फ्लावर को कलर देता है, क्या देता है, फ्रूट और फ्लावर को ये कलर देता है। एंथ्रासाइनिन क्या करेगा, ये फ्रूट और फ्लावर को कलर देगा, डिफरेंट डिफरेंट कलर प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, ये आते हैं पिगमेंट में, कौन कौन से आ गए, कैरोटेनॉइड और एंथ्रासाइनिन जो हो गए, ये पिगमेंट हो गए। अब उसके बाद क्या आया, एल्कलॉइड, एल्कलॉइड्स क्या होते हैं, एल्कलॉइड्स क्या होते हैं, हमारे मॉर्फिन और कोडीन होते हैं, ये जो एग्जाम्पल हैं, ये दो एग्जाम्पल हैं किसके, एल्कोलाइड के एग्जाम्पल हैं। हमसे क्वेश्चन में पूछता है मैचिंग में, मैचिंग में दे देगा और मैच कराएगा कि कौन सा एल्कोलाइड है, कौन सा पिगमेंट है, और ठीक है ऐसे टाइप में क्वेश्चन में आते हैं, मैचिंग में आते हैं। और उसके बाद क्या आया, एल्कोलाइड हो गया, एल्कोलाइड हमारे मॉर्फिन हो गए, कोडीन हो गए, उसके अलावा भी आते हैं, है ना। और क्या हुआ, टर्पेनॉइड हो गए। अब टर्पेनॉइड क्या होते हैं, है ना, टर्पेनॉइड क्या होते हैं, टर्पेनॉइड इसके नाम से ही पता चल रहा है, इसका एग्जांपल याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, इसके नाम में टर्पेनॉइड है, तो इसके नाम में मोनोटर्पेन डाइटर्पेन्स, है ना, मोनोटर्पेन और डाइटर्पेन्स आ गए, ये क्या हो गए, टर्पेनॉइड्स हो गए। आगे क्या दिया गया हमको, आगे दिया गया एसेंशियल ऑयल, एसेंशियल ऑयल ऐसे ऑयल जो जरूरी हों, एसेंशियल का मतलब होता है जरूरी ऑयल, है ना, जरूरी ऑयल, एसेंशियल ऑयल मतलब जरूरी ऑयल, जरूरी वाले ऑयल हों, जरूरत वाले हों, ठीक है, जरूरत वाले ऑयल हों, इसको एसेंशियल ऑयल बोलते हैं। अब एसेंशियल ऑयल में कौन से एग्जांपल दिए गए हमको, लेमन, लेमन का है ना, लेमन ग्रास ऑयल दिया गया है, लेमन ग्रास ऑयल दिया गया हमको एसेंशियल ऑयल में, है ना, लेमन ग्रास ऑयल इज द एग्जाम्पल ऑफ एसेंशियल ऑयल, ठीक है। उसके बाद क्या दिया गया, टॉक्सिन, टॉक्सिन मतलब विषैली, विषैली चीज जो हो उसकी एग्जाम्पल दिया गया है, टॉक्सिन का एग्जाम्पल दिया गया क्या है, अरबिन और रेजिन, है ना, हमसे क्वेश्चन में पूछ लेगा टॉक्सिन क्या है, अरबिन रेजिन का एग्जाम्पल दे देगा, और एग्जाम्पल दे देंगे और उनसे पूछ लेगा कि टॉक्सिन इसमें कौन कौन से हैं, इसको आप फाइंड आउट करिए, ठीक है। अब आगे आ गया लेक्टिन्स, लेक्टिन्स क्या होते हैं, है ना, लेक्टिन्स क्या हुए, उसका एग्जाम्पल दिया है हमको कौन कैल कोना वेलिन, है ना, कौन कैना वेलिन ए, ये इंपॉर्टेंट है याद रखेंगे, लेक्टिन के एग्जाम्पल में क्या आया, कौन कैना वेलिन ए आया लेक्टिन के एग्जाम्पल में, है ना। अब क्या हुआ, ड्रग, अब ड्रग क्या होती हैं, जो हमारी डिजीज को कॉज करें, है ना, मतलब जो डिजीज को हमारी क्योर करें, सॉरी, जो डिजीज को क्योर करें वो ड्रग्स होती हैं, यानी डिजीज से हमको ड्रग्स बचाती हैं, दवाएं हमारी प्रतिरक्षा तंत्र को बढ़ाती हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाएंगी, है ना, और हमारी डिजीज को खत्म करेंगी, वो होती हैं ड्रग्स। उनमें कौन सा आया, बिन ब्लास्टिन आया, और क्या आया, क्यूरक्यूरामिन आया। जो बिन ब्लास्टिन होती है, है ना, बिन ब्लास्टिन होती है, क्या होती है, एंटी कैंसरस ड्रग है, क्या है, एंटी कैंसरस ड्रग है, यानी कैंसर से लड़ने में हेल्प करेगी, एंटी, एंटी कैंसरस, कैंसरस ड्रग है ना, एंटी कैंसरस ड्रग है, क्या, विन ब्लास्टिन, यानी कैंसर से लड़ने में हेल्प करेगी, कैंसर को क्योर करने में मदद करेगी, ठीक है। ड्रग में दो एग्जांपल है, विन ब्लास्टिन और क्यूरक्यूमिन, है ना, क्यूरक्यूमिन एग्जाम्पल है। अब उसके बाद क्या है, पॉलीमेरिक सबस्टेंस, है ना, पॉलीमेरिक सबस्टेंस हमको एग्जाम्पल दिए गए हैं, क्या दिए हैं, रबर दिया गया है, गम्स दिया गया है, सेलुलोज दिया गया है, है ना, पॉलीमेरिक सबस्टेंस, यानी इसके नाम से पता चल रहा है, ये जो सबस्टेंस बनेंगे, है ना, ये जो चीज़ बनेंगी, ये मोनोमर से मिलकर बनी हुई होंगी, है ना, पॉली का मतलब होता है बहुत सारी यूनिट, है ना, पॉली मतलब बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी तो वो बनाएंगी पॉली, है ना, मोनो का मतलब होता है एक, तो यानी कोई भी पॉलीमर बनेगा तो वो मोनोमर से मिलकर बनेगा, एक उसकी यूनिट होगी, वही रिपीटिंग यूनिट बनके आगे पॉलीमर बना देगी, है ना। तो उसका एग्जांपल क्या हुआ, पॉलीमेरिक सबस्टेंस का एग्जांपल क्या हुआ, रबर हुए, गम्स हुए और सेलुलोज इज द एग्जांपल ऑफ पॉलीमेरिक सबस्टेंस, ठीक है। तो हमने प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स
दोनों देख लिए और टेबल जो हमको दी गई थी एनसीईआरटी में 9.3 उसको भी मैंने डिस्कस कर लिया। आपको समझ आया होगा कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वही जो ऑर्गेनिज्म की, लिविंग ऑर्गेनिज्म की मेटाबॉलिक में डेली डायरेक्टली पार्टिसिपेट करें उसको प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बोलते हैं, और उनका जो फंक्शन हो वो आइडेंटिफेबल हो, मतलब उसके फंक्शन को हम आइडेंटिफाई कर सकें कि ये जो है पर्टिकुलर ये इसमें रोल अपना प्ले कर रहा है ना। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वही थे, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या थे कि जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन में मतलब पार्टिसिपेट ना करें, उनका जो फंक्शन हो वो उसको आसानी से आइडेंटिफाई ना कर सकें, उनका फंक्शन जो होता है आइडेंटिफेबल नहीं होता है, उसको सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बहुत सारे होते हैं, है ना। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पिगमेंट हो गए, एल्कलॉइड हो गए, टर्पेंस हो गए, एसेंशियल ऑयल हो गए, टॉक्सिन्स हो गए, लेक्टिन्स हो गए, ड्रग्स हो गए, पॉलीमेरिक सबस्टेंस हो गए, ये हमारे क्या हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। और ये कुछ इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट के लिए भी हेल्प होते हैं, है ना, ह्यूमन वेलफेयर के लिए भी हेल्पफुल होते हैं। और ये मेटाबोलाइट्स का मतलब क्या होता है ना, मेटाबोलाइट्स का मतलब मैं आपको बता दूं, मेटाबोलाइट्स का मतलब क्या होता है, मेटाबोलाइट्स का मतलब क्या होता है, ये जो मेटाबॉलिक में पार्टिसिपेट करें, है ना, मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करें, पार्टिसिपेट इन मेटाबॉलिज्म। यानी मेटाबोलाइट्स वो होते हैं जो मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करें, इसलिए इसको क्या बोलें, मेटाबोलाइट्स बोलें, ठीक है। सो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज इफ यू लाइक माय वीडियो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक शेयर माय वीडियो विद फ्रेंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इंटरेस्टिंग वीडियो में, जिसमें हम बायो माइक्रो मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे। बायो मॉलिक्यूल क्या होते हैं हमको तो पता है ना, ऐसे मॉलिक्यूल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रोड्यूस हों उनको बायो मॉलिक्यूल बोलते हैं। अब इसमें देखेंगे बायो माइक्रो मॉलिक्यूल क्या होते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल क्या होते हैं, सारी की सारी चीज़ें डिटेल्स में बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, यू हैव ए नाइस डे।